दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान की, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये एक कोठी का डिजाइन है। अगर आपके पास जगह है तो आप इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है, एक विला टाइप का डिजाइन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 9 बेडरूम 9 कमरे मिलेंगे टोटल, नीचे 5 और ऊपर 4 आपको कमरे मिलने वाले हैं। और पूरा यह मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप इसमें कार पार्किंग भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं, इस साइड आपको देख रहे होंगे। और साथ साथ आपको बारंदा भी मिलता है, पूरा वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। कॉर्नर का प्लॉट है, ये आप इसे खेत में बनवा सकते हैं। आपके पास खूब सारी जगह है तो आप इसे खेत में बनवा कर बेहतरीन सा मॉडल डिजाइन करा सकते हैं। देख सकते हैं दो साइड तो यहाँ पर ओपन दिख रहा होगा, एक फ्रंट में और एक साइड में, और दो साइड आपका क्लोज है। यहाँ पर मैंने विंडो वगैरह नहीं लगाई है, लेकिन अगर आप खेत में बनवाते हैं तो आप चारों तरफ विंडो लगवाइएगा, और इसके बाद और भी आपका घर ये खूबसूरत लगने वाला है। लेकिन आज का जो प्लान होने वाला बहुत ही खास होने वाला है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो हमें लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे एक ऐसा डिजाइन दीजिए जो एक कोठी नुमा हो और उसमें कम से कम 10 कमरे हो। तो मैंने ये मकान उनके लिए कंसिडर किया और ऐसा मकान मैंने उनको बनाकर देने की सोची, क्योंकि इसमें 9 बेडरूम है, लेट बाथ किचन वगैरह सारी डिटेल मिलेगी आपको, सब कुछ यहाँ पर बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा मॉडल। और इसका साइज बात करें तो ये लगभग 1700 स्क्वायर फीट में पूरा मॉडल बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर 1700 स्क्वायर फीट में है और ऊपर आपका कम हो जाता है एरिया, आप देख ही पा रहे होंगे। तो मैं मैक्सिमम जूम करके आपको दिखा देता हूँ इस प्लान को, आपको ये देखिएगा कैसा प्लान लग रहा देखने में, आप हमें जरूर बताएं। और ये पूरा प्लान बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और अगर आप किसी भी प्रकार के प्लान को बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पेड सर्विस भी अपनी यूज करता हूं, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी घर बनाता हूं। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है घर का। मैं ऐसा टॉप व्यू आपको दिखाना चाहूंगा, टॉप से आपको घर ऐसा, ऊपर से आपको घर ऐसा देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद फ्रंट आपका ऐसा, सामने से आपको ऐसा मिलेगा, ये बारंदा मिलेगा इसमें कि आपको ये खफरेल का डिजाइन, और दो पिलर साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने स्टेयर से दिए, यहाँ से रोड है तो आप यहाँ से भी ऊपर आप बारंदे में जा सकते हैं। इधर मैंने विंडोज दी हैं जहाँ जहाँ जरूरत है। देखिए यहाँ पर मैंने किचन क्रिएट किया, इसलिए किचन के लिए विंडो, यहाँ बेडरूम के लिए विंडो, यहाँ बेडरूम के लिए विंडो अलग स्टाइल का दिए है जो कि मैंने फ्रंट में दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब जैसे आप बारंदे में जाते हो तो मेन एंट्री आपकी यहाँ से होती है, लेकिन उसके पहले ये गेस्ट रूम मैंने क्रिएट किया है। गेस्ट रूम मैंने और बनाया, इसके प्रॉपर विंडो एक बाहर से और एक साइड से भी विंडो मिलती है, आप देख सकते हैं गेस्ट रूम को एक्सेस कर पाते हैं। गेस्ट रूम से ही मैंने एक अंदर से डोर दिया, आप अंदर भी जा पाएंगे अगर आप जाना चाहते हैं, नहीं तो मेन डोर है ये, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अंदर के लिए। जैसे आप अंदर जाते हो तो आप सबसे पहले देखिए इधर से आपको स्टेयर्स मिलती है, टर्न होकर वापस आएंगे और उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस भी मिलता है, तो आज आप इसे स्टोर रूम कन्वर्ट कर सकते हैं नीचे स्टेयर्स के नीचे। आगे आप जैसे जाते हैं तो दो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, दो राइट हैंड साइड में आपको बेडरूम मिलते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में विंड आपको बेडरूम मिलते हैं, दोनों के लिए अलग अलग डोर दिया है। ये दोस्तों लेट एंड बाथ है, मैंने यहाँ पर डोर नहीं दिया, मैं लगाना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पर डोर लगा सकते हैं। दो लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट की है क्योंकि काफी बड़ा घर है तो यहाँ पर दो लेट बाथ होना आवश्यक है। इधर आपकी किचन एरिया है, ये आपका किचन एरिया पूरा बना हुआ है, और इधर आपके दो बेडरूम और देखने को मिलते हैं, अलग अलग डोर मैंने दिए हैं। देखिए किचन में और इस वाले बेडरूम में मैंने विंडो दिया है, यहाँ पर भी विंडो दिया है तो प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये पूरा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर 5 बेडरूम 4 देखिए, दो इधर एक, ये टोटल 5 बेडरूम आपका गेस्ट रूम को मिलाते हुए देखने को आपको मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पर। ये देखिएगा डिजाइन भी आप देख सकते हैं, ये खफरेल का डिजाइन जो कि बहुत ही अच्छा लगता है डिजाइन, यहाँ पर भी डिजाइन आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से ग्राउंड फ्लोर मैंने ये क्रिएट किया है। अब हम बात करते हैं इसके, तो फर्स्ट फ्लोर आ गया। अभी मैं इसका साइज भी बताऊंगा आप लोगों को कितने बाई कितने में बना है। अभी फर्स्ट फ्लोर आप देखिएगा, जो आगे वाला बारंदे वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, गेस्ट रूम हटा दिया, बाद बाकी सारे चीजें वही है, उसी में मैंने ग्रिल क्रिएट कर दी। देख सकते ग्रिल का डिजाइन आपको कैसा देखने का मिल रहा होगा, ये आपका ऊपर बेहतरीन सा फील्ड मिलता है। इसके बाद और बाद बाकी चारों बेडरूम वही सेम टू सेम मिलते हैं, वही लेट एंड बाथ मिलता है, वही स्टेयर्स को ढकने के लिए सॉरी स्टेयर्स वाला एरिया मिलता है, ये आपका आंगन बनकर और रेडी हो जाता है। बाद बाकी सारी चीजें वही है, स्टेयर्स वाले में मैंने डोर यहाँ पर दिया है जिससे आप बाहर आ पाएंगे, और बाद बाकी वही है। यहाँ पर से जो किचन वाला एरिया था वो भी मैंने हटा दिया है और ये पूरा एरिया बन जाता है 4 बेडरूम के साथ। यहाँ पर विंडो देख सकते हैं फ्रंट में, इधर भी विंडो। तो ये पूरा फर्स्ट फ्लोर के साथ 4 बेडरूम और बड़ा सा लॉन, ये चीज मैंने एक्स्ट्रा बनाई है, ये पिलर बनाकर ये कपड़ा का डिजाइन रख दिया, इससे आपको ये और खूबसूरत घर लगने लगता है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो ये इसका लास्ट फ्लोर है। ओवरऑल चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, और ये आपको स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी मैंने क्रिएट कर रखी, ये देखिए छत बन गई आपकी, ये ओवरऑल मकान बनकर रेडी हो जाता है। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसके एरिया की।
एरिया दोस्तों 40 बाई 45, 40 फिट इसका ये फ्रंट होने वाला है, 45 फिट इसकी लंबाई होने वाली। तो 40 बाई 45 में पूरा मॉडल मैंने क्रिएट किया था, बहुत ही खूबसूरत प्लान। अगर आपको हमारा ये प्लान पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपने अभी तक इस महल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकेंगे। प्लान अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके हमें मोटिवेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर और आप हमें यूट्यूब पर भी, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये मॉडल अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक्स फॉर